उसकी टीम इस समय पादरी बाजार चौराहे पर स्थित निषाद पार्टी के कार्यालय पर है और यहाँ पे डाकू से नेत्री बनी फुलन देवी, जिन्हें जनता का इतना समर्थन मिला कि उन्हें देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाने का मौका मिला। आज उनके शहादत दिवस पर यहाँ के जो भी समर्थक हैं वो मना रहे हैं इस शहादत दिवस को। आइए हम लोग इनसे इस संबंध में जानना चाहते हैं। सर क्या कहेंगे इस अवसर पे? संभाली सभा में एक बार आपके टीवी के माध्यम से इनको पूर्ण समाधान समर्पित करते हैं। और एक गरीब शोषित समाज की महिला थी, इनके ऊपर जो भी अत्याचार हुआ उसका बीड़ा इन्होंने स्वयं उठाया, उस पर संघर्ष किया और उसके साथ उन्होंने उस अत्याचारियों को जीते ही उनसे अपना बदला चुकाया और पूरे भारत में इस महिला का नाम रोशन हुआ, जिसे आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। पूरे भारत में इनको चौथे स्थान पर रखा गया पूरे विश्व में और भारत में नंबर वन पे है ये। और ये आसान महिला नहीं थी, इनके ऊपर जो भी दुराचार हुआ, यदि भारत सरकार और विश्व के लोग यदि इसको प्रसारित किए होते तो आज दिन इस तरह से महिलाओं के ऊपर अत्याचार नहीं होता। इससे सीख लेना चाहिए पूर्ववर्ती सरकारों को कि यदि ये महिला अबला महिला इस तरह से कदम उठा सकती है कि यदि इसको कोई छेड़ता है तो यह स्वयं बदला लेने के लिए क्षमता रखती है। और माननीय फुलन देवी पूर्व सांसद, हम आज 25वीं श्रद्धांजलि सभा मना रहे हैं। जो भी महिलाएं हमारे समाज से जुड़ी हुई हैं या किसी भी समाज से हैं, यदि भविष्य में किसी तरह से इनके ऊपर कोई अत्याचार होता है तो वो सीख लें इस महिला से कि वो स्वयं उन नमक हलालों से उन अपना किया हुआ जो भी वो अत्याचार करते हैं उसका बदला स्वयं लें। आपको सर संरक्षक के तौर पे जाना जाता है, निषाद पार्टी कहीं ना कहीं निर्बल इंडियन शोषित समाज के कहीं ना कहीं शोषित समाज को उठाने का काम करें, क्या कहेंगे आप? कहना यही है कि आज जिस परिप्रेक्ष्य में हम फुलन देवी का श्रद्धांजलि मना रहे हैं, हर आदमी का यह कर्तव्य होता है कि अगर जिस आदमी का समाज गिरा हो, जो आदमी लूटा गया हो, जो शोषण किया जा रहा हो, उसके अंदर किसी न किसी समय में उत्तेजना आती है। इसी परिप्रेक्ष्य में जब वह फुलन देवी के ऊपर अत्याचार अनाचार हुआ, उन्होंने अपने बदले को किसी से सहयोग लेने का मोहताज नहीं, उन्होंने अपने दुराचारियों से स्वयं कदम उठा करके बदला लिया और दुनिया के लोगों को दिखा दिया कि अगर किसी अबला महिला के साथ कोई भी दुराचारी इस तरह से दुर्व्यवहार करता हो तो सभी महिलाएं अपने बदला को लेने के लिए हमेशा तत्पर रहें और तत्पर रहना भी चाहिए। हम महिलाएं को यह प्रोत्साहित दे रहे हैं कि अगर किसी महिला के साथ इस तरह से अत्याचार अनाचार होता है, अगर वह उस कदम को पूरा नहीं उठा पाती तो मैं अपने पुरुष समुदाय से निवेदन करूंगा कि उनका भरपूर और पुरजोर मदद करें और उस महिला को जो अत्याचार है किया उसका दमन किया जाए और करेंगे भी। एक महिला के तौर पे क्या कहेंगे आप? एक महिला के तौर पे मैं यही कहूँगी कि जो भी हमारे कि सबसे पहले मैं वीरांगना फुलन देवी के चरणों में सुमन अर्पित करती हूँ और आज उनके श्रद्धांजलि मनाने पे हम लोग यहाँ एकजुट हुए हैं। उनके अवसर पे आज मैं यही कहना चाहती हूँ कि ऐसे बहने और ऐसे फुलन देवी जैसी माँ बहने हर समाज में पैदा हैं, हर समाज में पैदा हो जो अपने के साथ अत्याचार हुआ है, ये अपने हर अत्याचार का बदला लेती हैं। तो इनके देखते हुए हम लोग को भी निर्णय मिलता है और सीख मिलती है, हम भी लोग आने वाले समय में इनके मिशन को हम लोग पूरा जरूर करेंगे, जो अधूरा है इनका मिशन उसको हम लोग पूरा जरूर करेंगे। पूरा करने के लिए आप कौन से कदम उठा रहे हैं? अरे हम कह रहे हैं कि अगर कहा जाता है जो सबसे सुरक्षा देश होता है वो सांसद भवन होता है, तो आज निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल निषाद पार्टी है, इनके मिशन को यही पूरा करेगी और इनके पार्टी के लीडर जो हैं वो पूरा करेंगे। आपको अपने पार्टी में पूरा भरोसा, पूरा गर्व है मुझे, मेरे पार्टी पे पूरा गर्व है मुझे, मेरे समाज पे निर्बलों पे पूरा गर्व है कि इस मिशन को हम लोग पूरा करके ही दिखाएंगे, आने वाला समय ये बताएगा। ये रहा एक लोगों का राय, कार्यकर्ताओं का राय, पदाधिकारियों की राय कि कहीं न कहीं शोषण और अत्याचार के विरुद्ध खुद उठ करके आगे आना होगा, तभी हम इस समाज से इस सिस्टम को
जो दुराचार, व्यभिचार, कदाचार बनता है, फैला है, पसरा है, स्थापित हुआ है, उसको हम मिटा सकते हैं।